यूपी के बुलंदशहर में पैसों के लेन देन को लेकर दूध व्यापारी व प्रॉपर्टी डीलर की उसके ही मफलर से गला दबाकर हत्या कर शव को खेत में फेंक कर आरोपी फरार हो गए। पुलिस ने तीन आरोपियों के विरुद्ध मामला दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और सुबह शव की सूचना मिली कि डेड बॉडी जौली के जंगल में पड़ी हुई है। सूचना पर पुलिस गई, पुलिस ने उसको अपने कब्जे में लिया। गाँव के ग्रामीण लोग भी आ चुके थे, वहाँ मौजूद थे और इसमें उसका गला दबा कर उसकी हत्या की गई है। और ऐसा पता चला जो सूचना है, जो गोपनीय रूप से जो जानकारी मिल रही है लोगों के द्वारा, उसमें बताया जाता है कि उनका आपसी कुछ लेन देन जमीन को लेकर था, इसमें इसकी हत्या की गई है। तहरीर प्राप्त हो गई है और जो भी वो पहले दो के नाम दिए थे, फिर तुरंत उन्होंने बदल के तीन के नाम दे दिए हैं। अभी से जब क्या था मृतक, वैसे तो दूध अपने घर का और अपने चाहता हुआ दूध ले जाकर यहाँ किसी चाय की दुकान पर देता था और हल्का फुल्का ये प्रॉपर्टी डीलिंग का काम भी करता था, पैसे के लेन देन का मामला। ये तस्वीर है बुलंदशहर के सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र में रहने वाले परविंदर सिंह की, जो दूध व प्रॉपर्टी डीलर का काम करता था। आरोप है कि एक प्रॉपर्टी का सौदा कराने के बाद परविंदर जोली गांव में रहने वाले तीन युवकों के पास पेमेंट लेने के लिए गया था, मगर पेमेंट की जगह खरीदारों ने उसकी उसके ही मफलर से गला दबाकर हत्या कर दी और शव को सड़क किनारे ईख के खेत में फेंक कर फरार हो गए। मंगलवार को राहगीरों ने परविंदर का शव देखा तो इलाके में सनसनी फैल गई, परिवार में कोहराम मच गया। क्या होता था, उनके पैसे थे उनके जोड़ी में, एग्रीमेंट कर रहा था दो लड़कों का, वे उनके वे उसके साथ है पूरे दिन, पूरे साथ होने का फिर जो उसे वे अपने आप ले गए उनके को और जो शाम को घर नहीं पहुँचा। हमने अब सुबह पता लगी, हमने सुबह देखा जाकर ढूंढ डांड मचिए, जब पता लगा उसमें जेम पड़ा। किस तरह से हत्या की गई थी आप बताते हैं? था उसमें रुमाल बंद रहा था उसके बड़े में। तो किसी के नाम जब तहरीर दिए फिर आप? हाँ जी, नामजद तहरीर दिए। कितने लोगों के खिलाफ? तीन। आप क्या मानते हैं तीन लोगों ने इस घटना को? तीन साथ है उसके। तो पुलिस ने अभी तक किसी की गिरफ्तारी की हुई? अभी कुछ नहीं। तो इनका क्या विवाद क्या था? विवाद कुछ नहीं है इनका, ये पैसा का विवाद है, पैसा लेना बस। मौके पर पहुंची पुलिस व फॉरेंसिक विभाग की टीम ने घटना स्थल का निरीक्षण किया। शव के पास ही परविंदर की मोटरसाइकिल बरामद हुई है। पुलिस मामले में नाम दर्ज तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही। निकिता कश्यप के साथ तेज निगाहें के लिए जनपद बुलंदशहर से रिजवान अंसारी की रिपोर्ट।